शालिनी पांडे ही नहीं साउथ से बॉलीवुड में आईं ये पांच अभिनेत्रियां। एक कहलाई लेडी अमिताभ। रणवीर सिंह बहुत जल्द जयेश भाई जोरदार में भी दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ अर्जुन रेड्डी की हीरोइन शालिनी पांडे नजर आएंगी। शालिनी की यह पहली बॉलीवुड फिल्म है। यशराज फिल्म्स ने शालिनी का परिचय कराते हुए ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि वो जयेश भाई जोरदार में रणवीर सिंह के अपोजिट काम करेंगी। शालिनी ने अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा के साथ काम किया था। शालिनी से पहले भी कई अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने साउथ से बॉलीवुड का रुख किया है। आइए बात करते हैं ऐसी ही अभिनेत्रियों की। तापसी पन्नू। नाम, प्रसिद्धि और उम्मीदों पर खरी उतरने के साथ ही तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं। हिंदी फिल्मों सहित कन्नड़, तमिल, तेलुगु फिल्मों में काम करती हैं। तापसी मॉडलिंग में अपना करियर बनाने से पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। तापसी ने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2010 में तेलुगु फिल्म झूमंडी नादम से की। दूसरी फिल्म तमिल डेब्यू थी। आदुकलम फिल्म में उनके अपोजिट धनुष थे। ब्लॉकबस्टर हिट इस फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 6 अवार्ड अपने नाम किए थे। साल 2013 में बॉलीवुड डेब्यू फिल्म चश्मे बदूर में वह कॉलेज बबली गर्ल के किरदार में नजर आई थी। वहीं दूसरी बॉलीवुड फिल्म में तापसी एक बहुत तेज तरार आईबी के एजेंट में रूप में नजर आईं। फिल्म पिंक बदला ने उन्हें नई पहचान दिलाई। काजल अग्रवाल। काजल ने बॉलीवुड में बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म सिंघम से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा वे स्पेशल 26 और दो लफीजों की कहानी में भी नजर आ चुकी हैं। काजल बेशक बॉलीवुड में अपना सिक्का न जमा पाई हो, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में काजल का नाम टॉप एक्ट्रेसेस में लिया जाता है। इलियाना डिक्रूज सिल्वर स्क्रीन पर अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद इलियाना डिक्रूज भी साउथ की जानी मानी अभिनेत्री हैं। इलियाना हाल ही में पागलपंती में नजर आई थी। वह इससे पहले 2018 में अजय देवगन के साथ रेड मूवी में नजर आई थी। वह बॉलीवुड में अपना करियर शुरू करने से पहले दक्षिण सिनेमा में 6 साल काम कर चुकी हैं। श्रीदेवी महज 4 साल की उम्र से साउथ इंडियन फिल्मों में एंट्री करने वाली श्रीदेवी फिल्म इंडस्ट्री की पहली लेडी सुपरस्टार और लेडी अमिताभ के तौर पर जानी जाती थीं। बेशक वह हमारे बीच ना हो, लेकिन आज भी उनके फैंस कम नहीं हैं। श्रीदेवी ने साल 1976 से 1982 के बीच कई सारी तमिल और तेलुगु फिल्में की, जिसमें से ज्यादातर फिल्में उन्होंने रजनीकांत, कमल हासन जैसे सुपरस्टार्स के साथ की और फिर हिंदी सिनेमा में आ गईं। बॉलीवुड में उन्होंने सदमा, चालबाज, मिस्टर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्में दी। श्रुति हासन दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं। उन्होंने दक्षिण की कई फिल्मों में यादगार भूमिकाएं की हैं। अभिनय के साथ वे अच्छी सिंगर भी हैं। इसके अलावा उनकी एक पहचान और भी है, वो ये कि श्रुति मशहूर एक्टर कमल हासन की बेटी हैं। श्रुति हासन ने साल 2009 में प्रदर्शित फिल्म लक से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। श्रुति साउथ की फिल्मों की लीडिंग एक्टर्स में से एक मानी जाती हैं।